केचू नहाया इसलिए इतना सुस्त हो रहा क्या? गुड बॉय हाई फाइव, गुड बॉय हाई फाइव, गुड बॉय। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और खाना भी मैं खा चुकी हूँ। तो इस टाइम हम सब बैठे हैं छत में और सब सेक रहे हैं धूप, और धूप भी जो है वो थोड़ी देर में जाने वाली है, तो जब तक आ रही है तब तक धूप सेक लेते हैं। तो आज मेरा केचू जो है वो नहाया है, ऋषभ ने आज कैस्पर को नहलाया है, आज जो है बिल्कुल साफ सुथरा और स्मार्ट बॉय। क्या भाई नहाया है इतने इसलिए सुस्त हो रहा है क्या इतना? हाँ केचू नहाया इसलिए इतना सुस्त हो रहा क्या? क्या हुआ? तो खुशबू फैला रहा है आज तो केचू, इतनी खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है मेरी छोनी से आज। देखिए मेरी छोनी कितनी प्यारी है, मेरी छोनी बहुत प्यारी है, मेरी छोनी की आईज बिल्कुल टेडी बियर जैसी आईज हैं, टेडी बियर जैसी। दिखाओ अपनी मुक्की, नहीं दिखा ना? और माइलो सो रहा है यहाँ पे एकदम मस्त होके, माइलो। और बड़ी तो अपनी ड्यूटी दे रहा है ना, हमेशा की तरह तैनात है बिल्कुल चारों तरफ निगरानी रखने में। कैस्पर और माइलो इतने प्यार से सो रहे हैं और मेरा बड़ी लगा है अपनी ड्यूटी में, बड़ी अपनी ड्यूटी में तैनात है ना बदू? बदू सोता ही नहीं है भाई, ये दोनों तो सो रहे थे लेकिन ये तो सोता ही नहीं है। उठो भाई उठो, कहाँ सो रहे तुम लोग? उठो उठो उठो, है ना बड़ी? उठा रहा, देखो कह रहा उठो, कहाँ सो रहे तुम लोग? केचू तो आज सो रखा भाई, हल्का हो रखा ना, आज नहा के मस्त होके सो रखा, कान भी पलट रखे। सो जा। चलो भाई अब चली गई है धूप, अब सब चलेंगे नीचे। अरे सच में कैसी हवा चल रही है, चलो तुम उतरो पहले फिर ये लोग जाएंगे। चोनी चलो चलो, छोनी को ट्रीट दूंगी मैं, ट्रीट खाएगी मेरी छोनी, ट्रीट खाएगी, खाएगी ट्रीट, चल बड़ी खाएगी ट्रीट, चल भी चल 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 चल, कौन कौन आता है देखिए जरा, कौन कौन आता है। बाय 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 बड़ी, देखो खाने के नाम से ट्रीट के नाम से सबसे पहले भागा। अरे ऋषभ सारा सामान लेके जा रहा है एक साथ बेटा, एक एक करके लेके जाता, टेंशन तो होती है ना बेटा, फिर तुम ऊपर छत में ठोक दोगे, छत ऊपर से फिर टूट जाएगी। केचू आजा ट्रीट खाने आजा, नहीं आ रहा। चलो भी हम तो चले, ऑफिस आने के बाद कपड़े भी चेंज नहीं किए, सबसे पहले छत में गए। और अरे भगवान इतनी मुश्किल से लेके आ रहा, यूं नहीं एक एक करके लेके आऊं, बार बार कौन जाता है, कौन कौन आ रहा है जरा देखूं तो। ये माइलो आया, ये माइलो आया, अब माइलो को मैं ट्रीट दूंगी। कैस्पर ले माइलो को, मैंने ट्रीट दे दी, ले माइलो खा ले, आज माइलो खा ले। सब्जी लेकर आई थी मैंने, ये भी नहीं संभाला अभी तक, कौन खाएगा ये? नो पहले सिट डाउन बड़ी सिट, नो, गुड बॉय। माइलो बैठ जा पहले, नो, माइलो सेट, गुड बॉय। ये टेचू को देने के लिए तो छत पे जाना पड़ेगा, नो ये कैस्पर का हिस्सा है, कैस्पर जल्दी वापस तो छत पे आ जाओ, नो चल, केचू सिट डाउन, गुड बॉय, हाई फाइव, हेलो गुड बॉय, हाई फाइव, गुड बॉय, हाई फाइव, गुड बॉय, गुड बॉय, खाओ बड़ी, तेरे को मिल गया ना, फिर बस एक एक मिलता है। फिर बड़ी आ चुके हैं अंदर और बड़ी अपने सीट पे विराजमान हो चुका है और कैस्पर वो यहाँ पर बैठा है प्यार से, और तेजू
कैस्पर को जब हम बहुत ही लाड़ में बुलाते हैं ना, तब हम तेचू बोलते हैं। कैस्पर से केचू और केचू से फिर तेचू। बदू कहा हुई बदू? गंदा बच्चा इसलिए क्योंकि कैस्पर को गोद में उठाओ तो काटने आता है ये, ऐसे बदमाश हो गया। ऑफिस आने के बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ खाना खाया है, धूप सेकी है, और धूप सेक सेक के मैं हो गई हूँ काली। और फिर नीचे उतर कर मैंने एक वीडियो बनाई है अपने मायर्स बाटी का चैनल के लिए, और उसके बाद अब मैं करूँगी घर के काम। तो सबसे पहले तो मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद करूँगी बाकी काम। तो ऋषभ बना रहा है मेरे लिए चाय और अपने लिए भी बना रहा है, और अब हम पियेंगे गर्मा गर्म ऋषभ के हाथ के बनी चाय। साफ दिख रहा है इस कैमरे से, कोई नहीं छुप सकता। दिखाओ चाय दिखाओ। तो ऋषभ ले आया है मेरे लिए चाय और अब हम पी लेते हैं चाय। तो दोस्तों मैं अब कर लेती हूँ पराठा बनाने की तैयारी। तो आलू मैंने उबाल लिए थे और अब मैं इनको छील लूँगी। तो आलू मैंने यहाँ पर छील लिए हैं और अब मैं इसको कांटे की मदद से थोड़े से मैच कर लूँगी और इनमें मैं मसाला मिला दूँगी। तो मसाले बड़े सिंपल से मिलाऊँगी मैं इसमें, और सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर उसके बाद में मिलाऊंगी इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मेरे पास अमचूर पाउडर नहीं है इसलिए मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। तो मसाले मेरे जो हैं वो मिल चुके हैं और अब मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो बस मेरा पराठा हो गया है बनके तैयार। तो मेरे बच्चों को थोड़े करारे सिके हुए परांठे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़े ज़्यादा सेकती हूँ। तो ऋषभ बाहर बैठा है और आग जला रखी है उसने, तो मैं उसको बाहर ही देकर आती हूँ। ले बेटा एक परांठा और ले। दोस्तों आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो खाने में है आज आलू के परांठे और साथ में है धनिया और हरी मिर्च और उसके साथ में थोड़े से लहसुन के पत्ते, उसकी एकदम चटाकेदार बढ़िया गजब की चटनी बनी है। तो दोस्तों ये है मेरा आज रात का खाना, तो मैं खा लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा खाना वाना हो चुका है और मैंने किचन बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है, और मैंने सुबह के लिए राजमा भी भिगो दिया है। इसमें मैंने राजमा धोकर भिगो दिया है, सुबह इसको मैं चढ़ा दूंगी गैस पे। और ये रहा मेरा किचन। तो यहाँ पे मैंने अभी ये बर्तन धो रखे हैं लेकिन अभी लगाए नहीं क्योंकि थोड़े गीले हैं ये, सुबह लगा दूंगी मैं इनको। और माइलो यहाँ पे सो रहा है, ये देखो ये सो रहा है माइलो, ये देखो हमारा छोटू सा माइलो हमारा यहाँ पे सो रहा है, हमारा माइलो सो जा। और कैस्परी को अभी हम लेकर जाएंगे वहाँ पर, और बडू जी हमारे वहाँ पर लेट गए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग भी सो जाते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में एक नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।